भोपाल के 7 नंबर स्थित सुभाष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित बच्चों के पेरेंट्स शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के परिजनों से कहा कि बच्चों में पढ़ाई के साथ अलग से भी जो प्रतिभा है उसे पहचाने और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी नई शिक्षा नीति के संदर्भ में मध्य प्रदेश की धरती पर जो कार्य होना है उसमें खुद आके रहकर प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि आपने देश में ऐसे पहले राज्य में हम गिनती में आ रहे हैं जहां पर नई शिक्षा नीति को लेकर के हमने काम प्रारंभ किया है। और केवल एकेडमिक काम ही नहीं, उसके साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी जोड़ने का और जो एक प्रकार से पीठ पर हाथ धर के प्रोत्साहित करने का काम आप हम सब लोगों को कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके लिए हमको हमारा जो मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है उससे हम आगे नई शिक्षा नीति के कार्य को निरंतरता देंगे, उसको ठीक ढंग से कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। रैली को मेरी तरफ से सीख, कोरोना बढ़ रहा है और बचाव का एक ही उपाय और वो उपाय है मास्क लगाए रखना। आप तो लगाओ, लेकिन घर में अगर मम्मी पापा भी लापरवाही करें, घर के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मम्मी पापा भी अगर बिना मास्क या कहीं जाएं तो उनको टोकना जरूर। टोकोगे तो बच्चों से पूछ रहा हूं, टोकोगे? क्योंकि बचाव का यही तरीका है। पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब मैं अपने बच्चों के साथ होता हूं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। या सुभाष स्कूल में पहली बार नहीं आया, योगा करने लगभग हर साल आते थे। अच्छा, मैं खुद भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं,